बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी अमेज़ोन का थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, राइट। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इस मॉडल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, जिसमें से जितना भी फ़ायदा होगा वो न्यू सेलर को भी होगा और उस बंदे को भी फायदा होगा जिसको ऑलरेडी कुछ ना कुछ नॉलेज है अमेज़ोन के बारे में, राइट। अमेज़ोन से पहले हमने एक चीज याद रखना होगा, काइंडली आप लोग सपना माइक जो है म्यूट करें, ताकि आप लोग एक्सीडेंट में म्यूट करता है। ओके, अमेज़ोन से पहले एक चीज आप लोगों ने याद रखना होगा कि ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। ई कॉमर्स का मतलब है तिजारत करना इंटरनेट के थ्रू, कॉमर्स का मतलब है तिजारत, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी आप लोग जो है इंटरनेट के थ्रू तिजारत करते हो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हो या अफगानिस्तान में बैठे हुए हो और आप अमेरिका में काम कर रहे हो, आप जो है दुबई में काम कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, राइट। इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें से लोग ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, सिर्फ अमेज़ोन प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ईबे भी है, दराज भी है, इट्सी भी है, बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है, और महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है रिमोटली मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू इंटरनेट को यूज़ करके अपने शहर से अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा दुबई में भी काम कर रहे हैं। वो सब जो जितना भी सर्कल होता है ना, वो सारे जो है ई कॉमर्स में आते हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि ई कॉमर्स क्या होता है, तो ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग करना, इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। फिर ई कॉमर्स के ज़ुमरे में ये सारे कैटेगरीज आते हैं, जिस तरह अमेज़ोन है, ई बे है, इट्सी है, ये सारे ई कॉमर्स के ज़ुमरे में आते हैं, ठीक है। अब इस वक्त जो है हम सिर्फ और सिर्फ अमेज़ोन पे काम करेंगे, ठीक है, तो हम सिर्फ अमेज़ोन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि अमेज़ोन होता क्या है और इस पे काम किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो इस वक्त जो है अमेज़ोन कौन कौन से मुल्कों में काम कर रहा है, इस चीज़ को आप समझें। अमेज़ोन इस वक्त जो है अमेरिका में काम कर रहा है, ठीक है, यूरोप में है, एशिया में है और मिडिल ईस्ट में है। अगर आप में से कोई लोग चाहते हो कि हम बाहर मुल्कों में जाएं, या ऑलरेडी आप बाहर मुल्कों में हो, जिस तरह अमेरिका है, कनाडा है, मेक्सिको है, ब्राज़ील है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है, इसके अलावा इटली, स्पेन और इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इसके अलावा सऊदी, टर्की, जापान, तो इन सारे मुल्कों में अगर आप लोग हो, ठीक है, या इन फ्यूचर आप जाना चाहते हो, तो अगर आपके पास अमेज़ोन का नॉलेज है तो आप लोग इसमें बहुत अच्छी तरीके से अपना जो वर्क है काम, मतलब इसमें काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन मुल्कों में अमेज़ोन का वेयर हाउस है, राइट। तो इस मुल्कों में इस वक्त अमेज़ोन काम कर रहा है और वक्त के साथ साथ और मुल्कों में भी अमेज़ोन जो है मतलब अपना जो वेयर हाउसेस है, ठीक है, वो सारे के सारे वो ओपन करेंगे। इस वक्त अमेज़ोन के जो वेयर हाउसेस है, वेयर हाउस मीन गोदाम, टोटल जो वेयर हाउसेस है वो है 185, ठीक है। स्टेटिस्टिक के मुताबिक इस वक्त अमेज़ोन की पूरी दुनिया में जो वेयर हाउसेस है वो है पूरे 185, जिसमें से सिर्फ 115 जो है वो अमेरिका में है। यानी इससे आप मालूम कर सकते हो कि अमेरिका में इस वक्त अमेज़ोन बहुत ज़्यादा शेयर्स लेके बैठा है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है। तो इस वक्त इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अमेरिका पे, कि हम किस तरह अमेज़ोन पे अमेरिका में काम करें, राइट। तो इन चीज़ों को आप समझें। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने समझनी होगी, वो है कि आप लोग जो है बेसिक को सीखो। हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्टली बस कहते हैं कि सर बस मुझे जल्दी जल्दी अमेज़ोन से का दें ताकि मैं इससे पैदा मतलब पैसे कमाऊँ। ओके, अमेज़ोन को सीखने के लिए उससे पहले कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, उसको हम कहते हैं बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसमें आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, राइट।
अब बेसिक कंसेप्ट क्या है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं अर्निंग ग्रीड, यानी अर्निंग ग्रीड मींस कि लोग क्या करते हैं कि मुझे 2 महीनों में या 3 महीनों में मैं ये कोर्स करूंगा, फिर जो है मैं इससे बहुत अच्छी अर्निंग करूंगा। ये इस तरह बिल्कुल नहीं। आप लोग अगर कोर्स करते हो उसके बाद जो है इंटर्नशिप ज्वाइन करो, उसके बाद आप चीजों को प्रॉपर सीखो, सीखने के बाद ही आप इससे फायदा कमा सकते हो, ठीक है। 2 महीनों में, 1 महीनों में, 15 दिनों में, 4 महीनों में, इसमें आप मतलब इतना जल्दी आप इसमें सक्सेसफुल नहीं बन सकते। इसमें कम से कम आप लोगों ने 8 महीने, 9 महीने या 1 साल गुजारना होगा, उसके बाद ही आप लोग इस पे जो है ना एक्सपर्ट लेवल का जो काम है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज यह याद रखें। इसके अलावा जो है हाफ नॉलेज इज डिस्ट्रॉयबल, यानी इसमें कभी भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि इसको रन किस तरह करें। ज्यादातर लोग अमेजोन के अकाउंट बनाते हैं लेकिन उनको जो है पता नहीं होता कि इस पे अभी वर्क किस तरह करे, काम किस तरह करे, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी भी अमेजोन का अकाउंट तब तक नहीं बनाना जब तक आप लोग के पास नॉलेज ना हो, ठीक है। यानी जब आपके पास फुल प्रूफ नॉलेज हो उसके बाद ही अमेजोन अकाउंट को बना ले और इस पे बिजनेस करे। नो व्हाट इज फुल प्रूफ नॉलेज? देखो आपके पास 100% नॉलेज होना चाहिए अमेजोन का। अगर आपके पास 20% नॉलेज है, 40 है, 60 है, फिर भी आप स्टार्ट ना करें, वरना इसमें 100% चांस है कि आप जो है इसमें अपना पैसा लूज करोगे, ठीक है। तो आप पूरा सीखो चीजों को, इंशाल्लाह आप इसमें बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हो अगर आपके पास नॉलेज हो तो। सिर्फ ये नहीं कि मैं यहाँ पर आप लोग को सेशन दे दूँ, ठीक है, और इसके बाद जो है आप लोग को कि हाँ बस ये बहुत है, नहीं। आप लोग और भी यूट्यूब पे सर्च किया करो कि और क्या क्या चीजें हैं अमेजोन के बारे में आप सीखो। फॉर एग्जाम्पल आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो आप लोग जो है क्या करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे अमेजोन इंट्रोडक्शन, ठीक है, वहां पर आप चीजों को सीखो। कल को अगर मेरा क्लास हो प्रोडक्ट हंटिंग, तो वो प्रोडक्ट हंटिंग आप यूट्यूब पे और भी देखा करो, सिर्फ मेरी क्लास ना देखा करो, ठीक है, ताकि आप लोग के जहन में मुख्तलिफ जगहों से जो है नॉलेज आ जाए, ठीक है। इसके बाद जो है अमेजोन इज नॉट अ चाइल्ड प्ले, इसका मतलब ये है कि अमेजोन पे काम करना कोई बच्चों का काम नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इसमें आप इतना जल्दी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, ये बहुत टफ काम है। ये अगर इतना आसान होता तो हर कोई इसको करता। यानी मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको आपने सिर्फ सीखना नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर सीखना है। एक होता है सीखना, एक होता है प्रॉपर सीखना, ठीक है ना। इसको आपने प्रॉपर सीखना है। प्रॉपर सीखने का मतलब ये है कि आप लोग मुख्तलिफ जगहों से नॉलेज इकट्ठा करोगे, ठीक है। सेम एज अदर बिजनेसेस, इसका मतलब ये है कि अमेजोन जो है बिल्कुल अदर बिजनेसेस की तरह है, ठीक है। अदर बिजनेसेस मतलब जिस तरह आप दुकान में जाते हो, ठीक है, या आप जो है एक आप लोगों का कपड़ों का दुकान है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आपके पास आता है, आपसे कपड़े परचेस करता है, वो आपको पैसे देता है और आप उसको कपड़े देते हो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है अमेजोन पे भी काम कर सकते हो, लेकिन वो इंटरनेट के थ्रू होगा, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू इसलिए होगा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है कपड़े बेच रहे हो अमेजोन पे, तो लोग आएंगे इंटरनेट के थ्रू, वो आपसे कपड़े परचेस करेंगे, ठीक है, और कपड़े परचेस करने के बाद वो आपको पैसे देंगे। तो इस तरह एक सिस्टम होता है, जिस तरह हम फिजिकली करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इंटरनेट पे करते हैं। इसमें कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर हम फिजिकली काम करते हैं, अमेजोन पर हम इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम 8 to 10 months वर्क इन एन एजेंसी, आप जो है कम अज कम कोर्स के बाद 8 से 10 महीने किसी एजेंसी में भी काम किया करो। 8-10 महीने तो बहुत ज्यादा है, अगर आप 2 महीने भी करोगे ना तो बहुत है, ठीक है। इसके अलावा जो है इस बिजनेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, इसको समझे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है प्रोडक्ट। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हो। यानी आप ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसको लोग पसंद कर रहे हैं परचेस करने में, ठीक है, तो लोग जो है बहुत जल्दी आपसे ही परचेस करेंगे, ठीक है। इसकी डिमांड ज्यादा हो, लोग इसको पसंद कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग ऐसी प्रोडक्ट को अगर जो है ना सेल करोगे तो इसमें जो है आप लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट सही नहीं है तो फिर क्या होगा, आप लोग का प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अमेजोन आपसे जो है इन्वेंट्री चार्जेस लेंगे, यानी आपका माल गोदाम में पड़ा रहेगा,
और अमेजोन आपसे उसका चार्जेस लेगा, ठीक है। तो अगर अच्छा प्रोडक्ट हो तो वो फिर जल्दी सेल होगा, जब जल्दी सेल होगा तो आपके अकाउंट में पैसे जल्दी आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने काम करना है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हमने अच्छा प्रोडक्ट किस तरह निकालना होगा। ये जस्ट इंट्रो पार्ट है, ठीक है, ताकि आप लोगों का जहन बने। ओके, इसके अलावा इस फील्ड में जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इस फील्ड में आप लोगों ने अगर पैसा कमाना है और आगे जाना है तो इसमें आपने मास्टर बनना होगा, ठीक है। सिर्फ सीखना नहीं होता, 80% लोग अमेजोन में इसलिए फेल होते हैं कि वो चीज को सिर्फ सीखते हैं और उसको छोड़ देते। सीखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उस फील्ड में एक्सपर्ट बनो। एक्सपर्ट का मतलब ये है कि आपको अमेजोन का A to Z सब कुछ पता हो, ठीक है, आपको सब चीजें पता हो अमेजोन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा जो है सिंस आप इमरजेंसी आप में होना चाहिए, मतलब ये है कि इसमें आप लोगों ने टाइम को जाया नहीं करना, राइट। टाइम अगर आप लोग जाया करोगे तो इस फील्ड में आप लोग आगे नहीं जा सकते, बिकॉज टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। इसको आपने टाइम देना होगा, हर दिन आप कोशिश करो 7 घंटे 8 घंटे आप इस पे काम करो, प्रोडक्ट को निकालो, ठीक है। तो ये आप लोगों से टाइम लेगा, अगर आप इसको टाइम दोगे तो आप इसमें ग्रो कर सकते हो, अगर आप इसमें टाइम नहीं दोगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कंसिस्टेंसी। देखो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को ये बातें समझ नहीं आ रही या आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से नहीं सीखते तो फिर क्या होगा, आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। ये बुनियाद है ये बातें, ठीक है ना, ये बुनियादी बातें है। अगर आप लोग को ये बुनियादी बातें समझ नहीं आ रही या आप लोग मतलब कहते हो कि ये सिंपल इज दैट कि ये बातें सबसे जरूरी है अमेजोन से पहले, अगर ये बातें आप लोग को समझ मतलब बहुत जरूरी है, अगर आप इसको प्रॉपर सीखते हो तो अमेजोन में ग्रो करना आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी मीन्स कि आप लोग जो है हर दिन काम करो, इस तरह नहीं है कि आप एक दिन काम करो फिर 2 दिन आप छुट्टी करोगे, फिर 3 दिन काम करोगे फिर 2 दिन छुट्टी करोगे, तो इस तरह नहीं होगा, ठीक है। आप कोशिश करो हर दिन इस पे काम करो, 3 घंटे काम करो, 4 घंटे काम करो, 5 घंटे काम करो, लेकिन करो, ठीक है, इसमें छुट्टी ना करो स्टार्ट में, सही है ना। जब मैंने खुद भी इस काम को स्टार्ट किया था तो मैं हर दिन इस पे काम करता था, 2 घंटे देता था, 4 देता था, कभी कभार 5 घंटे देता, कभी कभार 10 घंटे भी देता था, तभी जाकर मैं इस काम पे पहुंचा हूं कि मैं लोगों को ट्रेन भी कर रहा हूं, ठीक है, मेरे अपने अकाउंट्स भी है, राइट। तो ये स्टार्ट में आप लोगों ने बहुत कुर्बानियां देनी होगी इसको, सही है ना। तो कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि कंटिन्यूसली आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है पेशेंस बहुत जरूरी है, सबर, ठीक है, यानी अगर आप में सबर ना हो तो आप इस बिजनेस को हरगिज ना करें, क्योंकि इसमें सबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में सबर हो यानी इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि ये बहुत क्विक रिच जो है ना स्कीम है तो इस तरह नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा आपसे, बहुत ज्यादा इसमें काम करना पड़ता है, कभी कभार आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, तो आप लोगों के अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पेशेंस इज यानी बहुत ही नेसेसरी है, अगर आपके अंदर पेशेंस ना हो तो इस बिजनेस को फिर आप ना करें, सही है। इसके अलावा जो है राइट डायरेक्शन, सबसे जरूरी चीज राइट डायरेक्शन है। जब आप एक काम करते हो और आपको गाइड करने वाला ना हो तो क्या होगा, उस बिजनेस में आप 100% चांस है कि आप फेल हो, ठीक है। यानी आप गाड़ी चलाना यानी आप चाहते हो कि मैं गाड़ी सीखूं मतलब उसको चलाना सीखूं, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, आपने एक अच्छे ड्राइवर से वो गाड़ी चलाना सीखना हो, ठीक है ना, जो ऑलरेडी उस फील्ड में माहिर हो। तो आप क्या करोगे, आप उससे जो है गाइडेंस लोगे, वो आपको सिखाएगा कि आप गाड़ी किस तरह चला सकते, ठीक है ना। आपने उस बंदे से पूछना होगा जो ऑलरेडी उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, वरना क्या होगा, 100% चांस है कि आप उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, राइट। तो राइट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डायरेक्शन मतलब ये है कि अभी मैं यहाँ पर आप लोग को सिखा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मुझे अमेजोन का पता है, तो आप लोग अगर मुझसे कुछ कोई भी सवाल पूछोगे तो मुझे पता है, मैं आप लोग को जवाब दे सकता हूँ।
लेकिन अगर आप एक अनाड़ी बंदे से पूछोगे कि हाँ ये क्या है, ये क्या है, तो वो आप लोग को गाइड नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पता नहीं है। हमेशा जो भी काम आप करना चाहते हो उसके एक्सपर्ट से आप जो है मशवरा करो, उससे सवाल पूछो, उसके साथ बैठो, उससे जो है ना उस फील्ड के बारे में क्वेश्चन करो, राइट। अगर आप अमेजोन सीखना चाहते हो तो अमेजोन सेलर्स के साथ बैठो, उससे बात करो, सही है ना। अगर आप किसी दूसरे बंदे से करते हो, किसी टीचर से पूछते हो या किसी और प्लम्बर से आप पूछते हो कि यार ये चीज़ क्या है, अमेजोन क्या है, तो वो क्या बोलेगा आपको? वो आपको गाइड नहीं कर सकते, बिकॉज वो प्लम्बर है या वो टीचर है, उसको ये नहीं पता कि अमेजोन क्या है, राइट। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि राइट डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्लियर पता होता है कि मैंने कहाँ पर जाना है और किस तरह जाना है। तो हम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन चीज की जानिब, ठीक है। इसको अभी समझे, अभी हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, अभी इस चीज को समझे कि अमेजोन है होता क्या है और इसमें कितने मॉडल है जो कि काम कर रहे हैं और इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है और उसमें जो है ना काम हम किस पे करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त अमेजोन पे जो बिजनेस मॉडल है वो तो बहुत ज्यादा है, यानी 4-5-6 है, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 है। मैं इसलिए और को डिस्कस नहीं कर रहा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो 3 जो है सबसे जरूरी है और सबसे जो है ना ज्यादा यूज होने वाला है, वो है प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है, होलसेल क्या होता है और ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, इसको हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल का मतलब क्या है, होलसेल का मतलब क्या है, ड्रॉप शिपिंग का मतलब, इसमें सिर्फ हम होलसेल को डिस्कस करेंगे, यानी हमारा जो पूरा टारगेट होगा होलसेल होगा, ठीक है, लेकिन हम थोड़ी सी टच देंगे प्राइवेट लेबल को और ड्रॉप शिपिंग को, ठीक है, ताकि कल को आपसे कोई पूछे कि प्राइवेट लेबल क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, ताकि कम से कम आप लोग तो उसको कन्विंस कर सकते, ठीक है। लेकिन हम पूरा फोकस क्या किस पे करेंगे, होलसेल पे करेंगे, ठीक है। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है इसको समझे। प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि हम अमेजोन पे जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, उसमें 2 किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो तो हम होलसेल पे डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं सिंपली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है असलम, आप असलम के नाम से ये जो बोतल है, ठीक है, इसको सेल करना चाहते हो अमेजोन पे, ठीक है, तो आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, यानी आप इस बोतल पे लिखते हो असलम बोतल फॉर एग्जाम्पल, तो ये सेल होगा अमेजोन पे आपके नाम से। तो फॉर एग्जाम्पल ये आप जो है अपने नाम के ब्रांड एस्टेब्लिश कर रहे हो अमेजोन पे, ठीक है, तो ये आपसे बहुत ज्यादा पैसा लेगा, यानी इस पे बहुत ज्यादा खर्च होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जो है अपना ब्रांड लॉन्च करते हो तो क्या होगा, कितना पैसा आपको लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, 50,00,000-1,00,000 तक आपका पैसा लगेगा जब आप प्राइवेट लेबल करते हो। तो इसमें बंदा अपने नाम का ब्रांड इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है, तो इसको हम रिकमेंड नहीं करते। कम से कम $20,000 से $40,000 तक खर्चा आता है, जो कि राउंड अबाउट 50,00,000-80,00,000 इस तरह के पैसे बनते हैं। इसमें आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होगा, PPC कंपेन, यानी आपने एडवर्टाइजमेंट करना होगा, ठीक है, ये सारी चीजें, ये रिस्की मॉडल भी है, क्या पता आप ब्रांड को लॉन्च करो और वो कामयाब ना हो जाए। बहुत ज्यादा ऐसे ब्रांड है जो कि उन्होंने लॉन्चिंग की है लेकिन वो जो है कामयाब नहीं हुई है, तो ये रिस्की मॉडल भी है, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है इस पे और रिस्की मॉडल भी, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा स्किप करते हैं। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि इसमें जो है हमारे पास स्टॉक नहीं होता, हम क्या करते हैं एज अ ब्रोकर काम करते हैं, यानी जब हमें ऑर्डर आता है तो हम किसी दूसरे बंदे से वो हमारे पर खरीदते हैं, ठीक है, और कस्टमर को शिप करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास चूंकि रिस्क इन्वेस्टमेंट जो है इसमें नहीं लगता और हमारे पास जो है स्टॉक नहीं होता, हम क्या करते हैं किसी दूसरे सप्लायर से माल को उठाते हैं और शिप करते हैं कस्टमर को, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें हम अमेजोन की जो पॉलिसी है वो ज़्यादातर वायलेट करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो अमेजोन अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता बिकॉज आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, जो मेन काम है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। नो विच वन इज बेस्ट मॉडल, आप लोग के जहन में अभी सवाल हो कि इस वक्त तो अमेजोन पे बहुत ज्यादा मॉडल है, तो इसमें बेस्ट कौन सा है,
आप लोग कौन सा करते हो, मतलब अगर आप हमसे, तो बेस्ट जो है वो होलसेल है, ठीक है। अभी होलसेल क्यों बेस्ट है इस पे अभी हम डिस्कशन करें, राइट। होलसेल इसलिए बेस्ट है क्योंकि होलसेल में हम ब्रांड्स के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सही है। ब्रांड्स का मतलब ये है कि जिस तरह नाइकी होता है, एडिडास होता है, राइट, हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, सेंसोडाइन, कोलगेट, ठीक है ना, ये सारे जो है ना ब्रांडेड है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी ब्रांड्स के प्रोडक्ट है। तो उससे हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और अमेजोन पे लिस्ट करके उसको सेल करते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोग को भी चीजें समझ आ जाए। मैं यहाँ पर अमेजोन का अकाउंट ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि डव शैम्पू, या चलो पेंटीन लिखता हूँ, अब इस चीज को समझे। अब देखो यहाँ पर अमेजोन के जो है ना डैशबोर्ड पे आपको पेंटीन की शैम्पू शो हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। पेंटीन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अब इसके प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि इस एक प्रोडक्ट को कितने कितने लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बता भी रहा है, देखो 7 लोग इसको सेल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को देखो, ये जो प्रोडक्ट है ना इसको कितने लोग सेल कर रहे हैं, इसको 7 लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, देखो 5, इसको 8 लोग सेल कर रहे हैं, इसको 6 लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस पर हम क्लिक करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ जितना भी सिंपल हो सके ना सिंपल अंदाज में मैं आपको चीजें समझाऊं, ठीक है। अब देखो ये पेंटीन शैम्पू है, ठीक है, ये ऑलरेडी ब्रांड है, तो इसको ब्रांड खुद नहीं सेल कर रहा, इसको आम लोग सेल कर रहे हैं, आप लोग सेल कर रहे हैं, मैं सेल करता हूँ, इस तरह तीसरा जो है ना बंदा सेल कर रहा है, ठीक है ना। इसको ब्रांड खुद सेल नहीं करता, ब्रांड से हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से, और यहाँ पर जो है अमेजोन में इसको लिस्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, आप अगर नीचे देख लो तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूटन, यानी 10 लोग इसको सेल कर रहे हैं, तो अगर 10 लोग इसको सेल कर सकते हैं तो मैं भी इसको सेल करता हूँ, 11 हो जाएंगे, समझ में आ रही मेरी बात। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं अगेन चलो दूसरा करता हूँ, चलो मैं पर हेड एंड शोल्डर करो, या कि डिटर्जेंट करो, डिटर्जेंट। अब देखो ये डिटर्जेंट है, जिस तरह पाकिस्तान में हम बोनस इस्तेमाल करते हैं, एरियल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इस तरह अमेरिका में लोग फिनिश जो एक प्रोडक्ट है डिटर्जेंट है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, आप इसको भी सेल कर सकते हो यहाँ पर। अब सवाल ये उठता है कि आप कौन से प्रोडक्ट को सेल करो, जाहिर नहीं है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ला के यहाँ पर लिस्ट करते हो, इस तरह नहीं होता, इसके अपनी क्राइटेरिया होते हैं, रूल्स होते हैं, जो कि हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, सही है। अब देखो इसको 2 लोग सेल कर रहे हैं, तो अगर 2 सेल कर सकते तो हम भी सेल कर सकते हैं, 3 लोग हो जाएंगे, ये देखो 7 लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो ब्रांड्स के प्रोडक्ट हम सेल करेंगे, सिंपली मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर हम ब्रांड से नहीं लेंगे, अब आपका एक सवाल होगा कि यार हम तो डायरेक्ट ब्रांड से बात नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड्स आपको बताएगा कि चलो मुझसे आप जो है 10 लाख का माल लो या 20 लाख का माल लो, तो हम तो ब्रांड्स का जो क्राइटेरिया है वो तो मीट नहीं कर सकते। ज़्यादातर ब्रांड इस तरह होते हैं, वो आपको बताते हैं कि यार आप मुझसे इतने डॉलर्स का प्रोडक्ट परचेस करोगे तभी मैं आपको अलाउ करूँगा, सही है ना। तो हम वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि यार मुझसे 20 लाख का माल लो, मुझसे 30 लाख का माल लो, क्योंकि ब्रांड से तो हम 1 लाख 2 लाख का माल नहीं परचेस कर सकते, ठीक है ना। वो आपको कहेंगे मुझसे ज़्यादा क्वान्टिटी लो, तो हम फिर क्या करते हैं, हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं, सही है ना। यानी ब्रांड क्या करता है, ब्रांड माल देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर माल देता है रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर माल देता है रिटेलर को, ठीक है। तो अमेजोन जो है वो रिटेलर है, इस बात को समझे। जब तक आपको ये बातें समझ नहीं आ रही, आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। आप फिक्र ना करें, अगर आपको पहली मरतबा ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है ना। जब आप लोग की तरह मैं भी था, न्यू भी था, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब जब मैं चीज़ों को सीख रहा था,
तो पहली क्लास में मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, लेकिन जब मैं दोबारा क्लास को देखता था, तीसरी बार देखता था, चौथी बार देखता था, तो मुझे चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि चीजें किस तरह वर्क करती है। ठीक है ना, तो फिक्र ना करें, अगर आपको मेरी बातों में 100 बातों में आपको 3 बातें भी समझ आ जाए तो ये बहुत है। 100 बातों में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बातें भी समझ आ जाए तो ये बहुत है। ठीक है ना, तो फिक्र ना करें, इंशाल्लाह जो भी सवाल होगा आपका, जो भी क्वेरीज होंगी वो इंशाल्लाह मैं सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है ना, फिक्र ना करें, बस आप इसको सिर्फ देखते जाए कि चीजें किस तरह वर्क करती है। ठीक है, फिर भी कोई सवाल हो मैं इंशाल्लाह रेडी हूँ आप लोग को जवाब करूँ। सही है, ब्रांड क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को माल देता है, डिस्ट्रीब्यूटर माल होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर जो है कस्टमर को देता है। अब इसमें अमेजोन कौन सा है, अमेजोन जो है रिटेलर है। रिटेलर का मतलब ये कि आप एक प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, दो भी सेल कर सकते हो, तीन भी सेल कर सकते हो। तो रिटेलर होलसेलर से भी माल ले सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर से भी माल ले सकता है, ब्रांड से भी माल ले सकता है। सही है ना, अब हम होलसेलर से भी माल ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से भी माल ले सकते हैं, ब्रांड से भी माल ले सकते हैं, हमारी मर्जी है हम किससे भी माल ले। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ज्यादातर होलसेलर से माल लेता हूँ। ठीक है ना, तो आप किसी से भी माल ले सकते हो, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, फिक्र ना करें। अच्छा, ये है अमेरिका का मैप, नक्शा है। ठीक है, यूएसए का नक्शा है, इसमें ज्यादातर पठान लोग भी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं चीजों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करूं, जितना भी मुझसे हो सके मैं चीजों को सिंपल करता जाऊंगा ताकि आप लोग को चीजें समझ आ जाए इंशाल्लाह। तो ये जो है नक्शा है कहाँ का, यूएसए का, अमेरिका का। ठीक है ना, अब इसमें जो है 50 स्टेट्स है। ठीक है ना, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, ठीक है, बलूचिस्तान, तो इस तरह अमेरिका में जो है अलास्का, एरिजोना, टेक्सास, वायूमिंग, ठीक है, इसके अलावा जो है न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, ये सारे स्टेट्स है। हमारे मुल्क में 4 है और अमेरिका में 50 है। तो इस वक्त हर एक स्टेट में ब्रांड भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है और सेलर भी है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल है, क्या करूंगा, मैं जाऊंगा गूगल पे, यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए शैम्पू होलसेलर इन यूनाइटेड स्टेट, इस तरह करूंगा। मुझे अगर शैम्पू की होलसेलर चाहिए, मैंने होलसेलर से माल उठाऊंगा, अमेजोन शिप करूंगा। ठीक है ना, अमेजोन मेरे लिए इसको पिक पैक एंड शिप करेगा, सब कुछ वो करेगा, मैं क्या करूंगा सिर्फ होलसेलर से माल लूंगा। तो मैं अगर लिखूं कि शैम्पू होलसेलर इन यूनाइटेड स्टेट, मुझे अमेरिका में शैम्पू की होलसेलर दिखाओ, क्लिक करो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे होलसेलर हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल इसमें से मैं एक ओपन करता हूँ, अब यहाँ पर ये जो है शैम्पू का होलसेलर है। ठीक है, इसमें शैम्पू की होलसेलर भी है, उसमें और भी उसके साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है। ठीक है, वो भी अभी हम देखेंगे। देखो ये एक प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 0.69 का। ठीक है, अब क्या पता ये प्रोडक्ट अमेजोन पे $60 का बिक रहा हो, $8 का बिक, यहाँ पर आपको $1 का पड़ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सस्ता पड़ेगा होलसेलर से, लेकिन यहाँ पर आप क्वांटिटी ज्यादा उठाओगे इसलिए आपको सस्ता पड़ेगा। जब हम होलसेलर से माल लेते हैं तो क्या करते हैं, एक दो तीन प्रोडक्ट तो नहीं लेते ना, हम 100 प्रोडक्ट लेते हैं, 50 लेते हैं, 200 लेते हैं। सही है, तो हम यहाँ से माल उठाते हैं और अमेजोन शिप करते हैं। सही है, ये देखो सारे के सारे शैम्पू के होलसेलर हैं, तो यहाँ से हम माल उठाते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके साथ डव का शैम्पू देखता हूँ कि डव के शैम्पू इसके पास है कि नहीं, इस होलसेलर के पास, आप देखो इसके पास मौजूद है। अब यहाँ पर इसके पास 3 का मिल रहा है अमेजोन पे, ये शायद 7 का मिल रहा हो, 10 का मिल रहा हो। ठीक है ना, तो ये होलसेलर है। आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अमेजोन भी ओपन करता हूँ ताकि आपको चीजें और भी क्लियर हो जाए, यहाँ पर डब लिखता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि डब, इसके अलावा साबुन को हम कहते हैं सोप इंग्लिश में, मुझे डब का साबुन दिखाओ, तो अभी यहाँ पर डब का साबुन आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि अमेजोन पे कितने का सेल हो रहा है और हमें होलसेलर कितने का दे रहा है, तो अभी चीजें आपको और भी समझ आ जाएगी। अब देखो पैकअप
14 मिल रहा है 17 का, ठीक है, यानी 14 पैक आपको 17 के मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको एक पैक कितने का मिल रहा है, 85 सेंट का मिल रहा है। तो 17 कितने का मिले, 14 कितने का मिलेगा आपको, आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। वो हम आगे सेशन में करेंगे कि ये मेरे लिए प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर यहाँ से आप माल उठाओगे, अमेजोन पे शिप करोगे, अमेजोन पे आप महंगा सेल करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो इस तरह हम चीज़ों को देखेंगे। ओके, इसके अलावा जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़, ये आखिरी जो है पॉइंट है, इसको भी समझे तो आपको जो है ना चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है FBM और दूसरा है FBA। अब FBA क्या होता है और FBM क्या होता है, बहुत आसान है, बस सिर्फ आप इस चीज़ को देख लें। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय Amazon, ठीक है, और FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूँ। FBA का मतलब ये है कि इसमें जो है सारा काम Amazon करेगा, बस आप सिर्फ माल उसको उसके गोदाम में लेके जाओ, ठीक है, वो खुद पिक पैक और शिप करेगा। इसके अलावा Amazon जो है आपका जो रिटर्न है वो भी हैंडल करेगा, आपको कस्टमर सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। इसके अलावा जितना भी काम होगा आपको कोई हेडेक नहीं होगा, सब कुछ Amazon खुद करेगा, ठीक है ना। Amazon उसका थोड़ा बहुत चार्जेस देगा आपसे, बाकी सब कुछ खुद करेगा। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल माल है, वो आप Amazon वेयर हाउस शिप करोगे, अगर कस्टमर आपको ऑर्डर देता है तो Amazon वो आपके लिए कस्टमर को शिप करेगा, ठीक है। देखो ये Amazon की गाड़ी है और ये उसका जो ड्राइवर है, ठीक है। ये इस तरह अमेरिका में काम होता है, यानी आपका माल जो है Amazon के वेयर हाउस में पड़ा रहता है, ठीक है। जब ऑर्डर आता है तो ये लोग आपका ऑर्डर वहाँ से उठाते हैं और कस्टमर को शिप करते हैं, तो इसको हम FBA कहते हैं, ठीक है। अब FBM किसे कहते हैं, FBM का मतलब ये है कि इसमें सारा का सारा काम आप खुद करोगे, यानी जब आपको ऑर्डर आता है तो आप उस प्रोडक्ट को क्या करोगे, खुद पिक पैक और शिप करोगे कस्टमर को। यानी जिस तरह पाकिस्तान में TCS होता है, हम TCS को माल देते हैं ना, वो शिप करते हैं कस्टमर को, बिल्कुल इसी तरीके से आपके अपने गोदाम में या आपके घर में वो माल पड़ा होगा, जब आपको ऑर्डर आता है तो आपने उस माल को उठाना होगा, वहाँ का जो TCS सिस्टम है वहाँ पर उसको देना होगा और कस्टमर को शिप करें, तो उसमें सारा हेडेक आपने खुद करना होगा, ठीक है। FBM हम पाकिस्तान से नहीं कर सकते, अगर हमारा USA में कोई बंदा हो तो वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह चीज़ें वर्क करती हैं। तो FBM बहुत कम हम करते हैं, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम ज़्यादातर FBA करते हैं, ठीक है। यानी हम माल शिप करते हैं Amazon के वेयर हाउस में और Amazon इसको पिक पैक और शिप करता है, सब चीज़ें वो करता है, यानी हम इतनी सरदर्दी से हम मतलब फलास है, यहाँ पर कोई भी सरदर्दी यहाँ पर नहीं है इसमें, ठीक है, FBM में बहुत सरदर्दी है। अच्छा, इसके अलावा जो कैटेगरीज है ना, ज़्यादातर लोग मुझसे क्या सवाल पूछते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में सेल करें, तो इसमें जो है मैं आप लोग के साथ ये स्टेट शेयर भी करूँगा, ठीक है, कि इसमें होम एंड किचन 32% है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर 23% है, टॉयज एंड गेम 20% है, क्लॉथिंग जो है 18% है, 17%, इस तरह आप सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने काम करना है तो आपने उस कैटेगरी में ज़्यादा काम करना है जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है, यानी इसका मतलब ये है कि Amazon पे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरे जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर हेल्थ एंड हाउस होल्ड में है, जो 17% कैटेगरी में आते हैं, होम एंड किचन में भी है और हेल्थ एंड हाउस होल्ड में भी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी कैटेगरीज हैं, आप इसके साथ भी काम कर सकते हो। ओके, इसके अलावा जो है जब हम Amazon होलसेल पे काम करते हैं तो उसके अपने कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल आप कोई काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी करते हो ना, उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि यार अगर आपने ये काम करना है तो इसके लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको बताता है कि आप अपनी CV लाओ, आप जो है अपना जो जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें लाओ, तो फिर आपको हम वो जॉब दे सकते हैं। तो अगर आपके पास वो रिक्वायरमेंट ना हो तो आपको जॉब नहीं देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने Amazon होलसेल पे काम करना है तो आप क्या करोगे, आपके पास LLC यानी वहाँ का कंपनी होना चाहिए, ठीक है।
यानी अगर आप यूएसए में हो ठीक है, तो आपके पास यूएसए की कंपनी होनी चाहिए। अब भाई आप कंफ्यूज है कंपनी कैसे हम क्रिएट करेंगे, वो सर्विसेज हम आपको दे सकते हैं, उसकी आप फिक्र ना करें ठीक है। जिस स्टेट में भी आप लोग एलएलसी बनाना चाहते हो आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपके लिए एलएलसी बना सकते हैं ठीक है। हर स्टेट का अपना अपना एक रेट होता है ठीक है, उस हिसाब से हम आपके लिए एलएलसी बना सकते हैं। तो एलएलसी कंपलसरी है। अगर आप लोग अपना बिजनेस करना चाहते हो, अपना खुद का कारोबार करना चाहते हो अमेजोन पे, तो एलएलसी आप लोगों ने बनाना होगा, कंपनी आप लोगों ने बनानी होगी ठीक है। इसके लिए जो है ये रिक्वायरमेंट है, आपके पास एलएलसी होना चाहिए, आपके पास टैक्स नंबर होना चाहिए, आपके पास रिसेल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहां का फोन नंबर होना चाहिए, वहां का एड्रेस होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए ठीक है। वो सब हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, उसकी आप फिक्र ना करें ठीक है। अच्छा एलएलसी इस तरह डॉक्यूमेंट होता है, देखो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं एलएलसी। आप लोग जब सप्लायर आपसे माल, जब फॉर एग्जांपल आप होलसेलर से परचेजिंग करते हो, तो होलसेलर आपसे कहता है कि मुझे एलएलसी की डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, तो आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने ठीक है। ये देखो ये एएन नंबर है, ये एएन नंबर को हम टैक्स पेयर नंबर भी कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में आईटीआई नंबर होता है, इस तरीके से अमेरिका में जो है ईआईएन नंबर होता है, यानी एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है। ये भी हम एलएलसी में जो सर्विस होता है हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे ठीक है। इसके अलावा ये रिसेल सर्टिफिकेट होता है। अब रिसेल सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको चीजें इसको सीखो। यूएस में जब आप किसी चीज को बाय करते हो तो उस पर आप टैक्स देते हो ठीक है ना, आप उस पर टैक्स देते हो। तो जब हम परचेजिंग करते हैं होलसेलर से तो वो भी हमसे टैक्स लेगा, लेकिन हम उसको रिसेल सर्टिफिकेट देंगे, हम उसको बताएंगे कि नहीं भाई हम तो इसको रिसेल करते हैं, तो फिर वो हमसे टैक्स नहीं लेगा। तो जब हम उसको ये रिसेल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो हमसे टैक्स नहीं लेगा, ये आपको टैक्स एग्जेम कर देता है राइट। इसके अलावा आप लोग का ज्यादा सवाल ये होता है कि अमेजोन का डैशबोर्ड किस तरह होता है, तो मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। ये देखो अमेजोन का डैशबोर्ड है, ओपन ऑर्डर 25 है, 630 ऑर्डर इस पे सेल हुआ है आज ठीक है। ये जस्ट मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आप लोग को जस्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरह चीजें वर्क करती। तो ये अमेजोन अकाउंट का डैशबोर्ड होता है, आपको ऑर्डर आता है इस तरह शो होता है, कितना सेल हुआ है ठीक है, और इसके अलावा जो है कितना बैलेंस है, इसको इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे राइट। तो ये चीजें हैं इंट्रो पार्ट में कि आप लोगों ने इन चीजों को सीखना होगा। अगर आप लोगों को माइंड यहां तक क्लियर है तो इंशाल्लाह आप लोगों को चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो। आप लोग सवाल भी आप पूछ सकते हो, लेकिन सवाल से पहले मैं आप लोगों को एक जस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ठीक है, कि लेट सपोज आज मैंने क्लास लिया, आज क्लास किस चीज का था, अमेजोन इंट्रोडक्शन का था। तो आप लोग अभी क्लास को जब खत्म करोगे तो क्या होगा, आप लोग के पास 5 दिन और होंगे, शायद क्लास जुम्मे को हो जाए या इतवार को हो जाए, वो फिर मैं आप लोग को बता दूंगा ठीक है। आपके पास 5 से 6 दिन है, तो आप लोगों ने 5 से 6 दिनों में क्या करना होगा, आप लोग को मैं असाइनमेंट देता हूं। आप लोग यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे लिखो कि व्हाट इज अमेजोन, व्हाट इज अमेजोन ये लिखो, या आप लिखो अमेजोन इंट्रोडक्शन, तो वहां पर जो है आप लोग को बहुत ज्यादा वीडियोस आएंगे, बहुत ज्यादा चीजें आप लोग को सामने करना पड़ेंगे ठीक है। आप लोग जब सीखोगे उन चीजों को तो आप लोग का माइंड बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप लोग बताओगे कि हाँ अगर हम यूट्यूब से सीख सकते हैं तो फिर हमने कोर्स पे पेमेंट क्यों की है, तो इसका भी मैं आप लोग को जवाब देता हूँ। देखो जब आप कोर्स करते हो, यानी आप 1-to-1 मेरे से ऑनलाइन होते हो, तो आप लोग के सवालात में क्लियर करता हूँ, आप लोग के जेहन में जो भी सवाल होगा मैं उसी टाइम उसको क्लियर करूंगा। ये सबसे बड़ा फायदा है कोर्स का। अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ चीजें देखोगे, वहां पर आप यूट्यूब पे कमेंट करोगे कि हाँ इसका क्या मतलब है, तो यूट्यूबर आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा, या अगर करेगा तो 10 दिन बाद करेगा, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोग के जितने भी सवाल होंगे, अगर आप ग्रुप में पूछोगे, आप लोग का अपना पेड ग्रुप होगा ठीक है ना, आप लोग उसमें सिर्फ वो लोग शामिल होंगे जिसने पेमेंट की ठीक है। तो आप लोग के जितनी भी सवाल होंगे इंशाल्लाह हम आने वाले 1 साल तक आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी सवाल होंगे हम आपके सवाल क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, हमसे जितना हेल्प होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे ठीक है। तो
तो आप लोग जो है कोर्स अभी क्लास खत्म होने के बाद आप कोशिश करो 5-6 दिन सिर्फ अमेजोन इंट्रोडक्शन पे लगाओ कि अमेजोन होता क्या है, राइट। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो प्रोडक्ट हंटिंग होगा। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, उस पर इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास थोड़ा शार्ट था, 1 घंटे था। दूसरा जो क्लास होगा वो कम अज़ कम 2 घंटे होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हम चीज़ें अब डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास भी लूँ तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है, इसलिए मैं नहीं लेना चाहता। तो अभी आप लोग की जितनी भी सवाल है आप पूछ सकते हो। जी, अपने सवाल। अलैकुम। वालेकुम सलाम। खाना खाई उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोशिश करें उर्दू में सवाल पूछें। थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम बात पश्तो में किया। तो हर चीज तुम अच्छा बोल दिया है, यानी सही हर सही खबर पर डिटेल सर हो मिली। जी। और डेर मन्ना छे दासी स्टेप बाय स्टेप मानी दिया हर से दामाजुनो करलो। यह सवाल पति किदा रजी चे मसलन कल चे प्रोडक्ट सेलेक्ट के का ना वो सागा खबर के दे शुरू समराशी द पायनियर दलारी या द पेपर लालारी मंगल सप्लायर द पैसी संग बोलीगु द दे पबारे के लिए ओके, मालूम आता रहे। उर्दू में बोलूं? बोलो मुश्किल नहीं, मैं उर्दू में सही समझता लेकिन हम जुबान में थोड़ा ओके प्रॉब्लम है। ओके ओके ब्रदर, ओके, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, ये सवाल तो आपने किया है, ये तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, पूरी डिटेल से डिस्कशन करेंगे, कोई कोई इशू नहीं। लेकिन चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को, जब हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे ना, वो पेपाल पेयोनीर से भी कर सकते हैं, पेपाल से भी कर सकते हैं, वो जो है हम मर्करी से भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप ऑर्डर देना चाहते हो सप्लायर को, तो सप्लायर आपसे पूछेगा कि आप हमें अपने कार्ड का नंबर दो। तो जब आप उसको अपना कार्ड का नंबर देते हो तो वो वहां से पैसे काट देता है, या वो आपको अपना बैंक का डिटेल देता है, आप पियोनीर से उसके बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट उसको सेंड करोगे, वो आपका माल जो है अमेजोन शिप करोगे, ठीक है। जी, दूसरा सवाल। अच्छा, एक भाई ने कमेंट हेलो। किया है कि LLC कौन से स्टेट में जबरदस्त है, मतलब कौन सा स्टेट रिकमेंडेड है। तो बजाते हो तो टेक्सास अच्छा स्टेट है, ठीक है, इसके अलावा फ्लोरिडा, तो इसमें आप अपना अकाउंट जो है LLC बना सकते हो, ठीक है। टेक्सास सबसे बेस्ट है, उस पर अराउंड अबाउट $700 इस तरह की चार्जेस आते हैं। जी, सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है सर जी आपको? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सर, ये LLC की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब आपकी टीम में कोई? जी बिल्कुल, प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कमेंट्स कर ग्रुप में आप मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँ। चलो जी, थैंक यू सर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ लियाज भाई, मैं जो है ना FB होलसेल पे थोड़ा पहले से काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो आपने रिक्वायरमेंट्स बताई थी ना वो ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट है होलसेल के लिए। मेरे पास वेबसाइट भी है, LLC भी है, लेकिन मेरे पास जो है ना वो रीसेल सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मैंने जो LLC बनाया था ना वो डिलीवर स्टेट में बनाया था। ओके, तो डिलीवर स्टेट सही है मतलब LLC के लिए? क्योंकि बाद में मैंने लोगों के कमेंट्स देखे तो लोग वहां के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैं ऑलरेडी ठीक फॉर्म कर चुका था। है। आप इस तरह करो, रिसेल सर्टिफिकेट आप टेक्सास का बना लो, $50 का बनता है। अच्छा, तो मुझे जरूरी है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो डिलीवर जो है टैक्स फ्री स्टेट है, तो मैं अगर होलसेलर को बता दूं कि मेरा तो डिलीवर में है तो मैं टैक्स फ्री हूँ फिर? नहीं, वो देखो, हर एक होलसेलर का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, अपना अपना एक रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल आप जो है टेक्सास का जो होलसेलर है वो आपसे रिक्वायर करेगा कि मुझे टेक्सास का रिसेल सर्टिफिकेट दो, ठीक है ना। तो फिर आपने टेक्सास का रिसेल सर्टिफिकेट देना होगा। तो बेहतर ये है कि आपने तो LLC बनाई है, वेल एंड गुड, अभी आप रिसेल सर्टिफिकेट बनाओ टेक्सास का, सही है, तो बेहतर होगा। टेक्सास का जी। अच्छा, तो फिर किसी भी स्टेट में मुझे कोई भी रिसर्च सर्टिफिकेट मांगेगा तो मैं वो अपना टेक्सास वाला ही दूं उसको, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और बाकी डिलीवर में मतलब मैंने लोग के काफी नेगेटिव कमेंट्स पढ़े थे कि होलसेलर जो हैं वो परमिशन नहीं देते, ये वो, तो ऐसा है क्या?
ज्यादा होलसेलर देंगे भी ज्यादा होलसेलर नहीं भी देंगे, तो डिपेंड करता है होलसेलर का, होलसेलर पे तो कोई इशू नहीं है, देता है यार, क्यों नहीं देता। अच्छा बस चले ठीक है, थैंक यू, मेरा यही सवाल था। जी सवाल पूछे। और एक और सवाल, सॉरी, रीसेल सर्टिफिकेट मैं कहाँ से अप्लाई करूँ उसके लिए? खुद करना चाहते हो? जी क्योंकि मैंने सारे काम खुद ही किए हैं तो बस यही रह गया है, ओके, रिसेल तो ये मैं सर्टिफिकेट कर असल में मैं खुद नहीं करता, हमारी टीम करती है उसको, तो आप काइंडली वहां पर ग्रुप में पूछ ले, तो शायद किसी को पता हो तो आपको बता देगा। अच्छा चले ठीक है जी, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये पूछना था कि ये अक्सर सेलर्स को, होलसेलर्स को मैंने ईमेल किया है तो वो कह रहे कि मुझे, हमें TID चाहिए, टैक्स आईडी नंबर, तो ये क्या है, काइंडली ये बताएं। ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखिए टैक्स आईडी, मैं आपको एक पेज शो कर रहा हूँ, ये देखो ये टैक्स आईडी होता है, नजर आ रहा है आपको? इस पे एक जी नंबर है, अगर आपको स्क्रीन कर्सर देखो, ये नंबर 3842341 62, इसको कहते हैं टैक्स आईडी। अगर आपके पास LLC अच्छा होगा तो आपके पास ये टैक्स आईडी भी होगा, ठीक है ना? तो ये आप उसको देखो। सर, ये EIN नंबर मैंने काफी दफा दिया है लेकिन वो कह रहे कि ये मतलब इनवैलिड शो कर रहे हैं। EIN और टैक्स आईडी के बीच में मैंने रिसर्च भी किया है तो वो कह रहे कि इसके बीच में कोई फर्क है, तो अभी मुझे समझ में नहीं है कि टैक्स आईडी और EIN के दरमियान क्या फर्क है। देखो होलसेलर जब आपसे मांगता है ना, तो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ EIN नंबर मांगता है। अभी हाँ, ये बात भी सही है कि US में हजारों डिस्ट्रीब्यूटर में सिर्फ एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर हो जो आपको कह रहा हो कि नहीं मुझे सिर्फ टैक्स आईडी दो। टैक्स आईडी का मतलब ये है कि वहां पर जो US में रेजिडेंट होते हैं ना, उसका अपना एक नंबर होता है, SSN नंबर। तो फिर हजारों में अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको बता भी दे तो कोई इशू नहीं है, उसको बोलो कि भाई मेरे LLC फॉर्म हुई है, ठीक है, और ये इसका EIN नंबर है, काइंडली आप इसको एक्सेप्ट करें, तो वो एक्सेप्ट कर दे। अच्छा थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम शाजिया है, तो जी जी मैंने नुमान भाई से आपके बारे में सुना था, तो उन्होंने बहुत तसल्ली दी मुझे कि आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और फिर मैंने आपका चैनल ज्वाइन किया तो मुझे बड़ी अच्छी समझ आई। तो सर मैंने ये पूछना था कि मेरी भी LLC मैंने बना ली हुई है फ्लोरिडा ओके में, ओके तो जी मेरे मैंने प्रोडक्ट लॉन्चिंग का मेरे साथ स्कैम भी हो, तो कोई आ रहा था, तो अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो है। अच्छा मैम, आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज़ सही, आप कोशिश करें मुझे पर्सन में मैसेज करें, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, ओके बहुत ओके शुक्रिया। जी सवाल पूछिए। सर, एक और सवाल पूछ रहा था जी जी भाई पूछिए। सर, ये अभी तो फिलहाल मैं US में काम कर रहा हूँ तो मेरा आगे दुबई में भी काम करने का रहता है, ओके तो काइंडली ये बताए कि ये जो कीपा हीलियम वगैरह जो है, जो US में काम करते हैं वो दुबई के प्रोडक्ट्स के लिए भी काम करते हैं? अच्छा देखो, US में जो है ना, जिस तरह कीपा काम करता है, जंगल स्कोट काम करता है, उसी तरीके से दुबई या सऊदी में अभी लॉन्चिंग सही तरीके से नहीं हुई। उसमें एक टूल है ईग्रो के नाम से, ठीक है ना? ईग्रो के ठीक नाम है से एक टूल है, EGROW, ठीक है, उसके नाम से एक टूल जी। है जहां पर वो आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मैनुअली करो। मैं आप लोग को तरीका सिखाऊंगा इंशाल्लाह मैनुअली, कि मैनुअली हम किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर आप प्रोडक्ट को हंट कर सकते हो, सबसे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, फिक्र ना करो, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे जो है ना, वो जो पेमेंट का जो प्रोसीजर है ना, वो मुझे ज़रा सही से समझना था कि कौन सा अच्छा बैंक प्रेफरेबल है, किस बैंक में अकाउंट लें, कौन सा अकाउंट लें, मतलब नॉर्मल अकाउंट पे काम हो जाएगा या कोई
फ्रीलांसिंग अकाउंट हो, फिर उसको पेपैल से कैसे कनेक्ट करना है, तो ये प्रोसीजर ना जरा मैं चाह रहा था कि मुझे सही से समझ आ जाए। आप कौन सी पेमेंट की बात कर रहे हो, डिपॉजिट मेथड की या चार्ज मेथड की या सप्लायर की हिसाब से? मतलब मतलब हमें कुछ पेमेंट्स ऐसी होंगे सप्लायर को भेजनी भी होंगी, फिर ओके ओके अमेज़ॉन से पेमेंट रिसीव भी करनी होगी, तो उसका ओके पूरा ब्रदर, क्या तरीकेकार होगा? ओके ब्रदर, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, भाई ने सवाल पूछा है कि पेमेंट का क्या हिसाब किताब होगा, ठीक है, तो इस चीज को आप समझे। मैं आपको कोशिश करता हूँ जितना सिंपल हो सके मैं आप लोगों को बताऊंगा, जितना सिंपल हो सके। अच्छा देखो, पेमेंट दो किस्म की होती है, ठीक है। एक पेमेंट हम डिपॉजिट मेथड हम उसको कहते हैं, एक को हम चार्ज मेथड कहते हैं। डिपॉजिट मेथड का मतलब ये है कि हम अमेजोन को वो पेमेंट मेथड देते हैं, जब अमेजोन की तरफ से हमें कोई पैसा आता है तो उसमें डाल देता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसमें सबसे अच्छा पेमेंट मेथड कौन सा है, तो इसमें से दो तीन है। जिस तरह मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि ट्रांसफर वाइज अच्छा है, पियोनियर अच्छा है, मरकरी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत है, लेकिन मैं खुद ट्रांसफर वाइज यूज कर रहा हूँ, सही है, मैं खुद पियोनियर यूज कर रहा हूँ, तो सबसे बेहतर ये है। हाँ, आप जो है सप्लायर को जब पेमेंट करोगे तो पाकिस्तानी कार्ड से ना करो, पाकिस्तानी कार्ड से अगर आप करोगे तो उस पे आप लोगों का टैक्स चार्ज होगा बहुत ज्यादा, सही है ना। तो आप कभी भी पाकिस्तानी कार्ड से ना करो। आप लोग के लिए हम जो अकाउंट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप खुद बनाओगे या हम बनाएंगे आपके लिए, वो यूएस का अकाउंट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी बनता है, ठीक है। हम लोग आपके लिए जो बनाएंगे ट्रांसफर वाइज के अकाउंट, आप लोग वहां से डायरेक्ट जो है ना सप्लायर को पेमेंट करो, तो इसमें जो है इतना चार्जेस नहीं बनता, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो है ट्रांसफर वाइज है, आप उसको जो है ना अमेजोन में भी डिपॉजिट मेथड में भी यूज कर सकते हो, और दूसरी बात यह है कि आप सप्लायर के लिए भी यूज कर सकते हो। ट्रांसफर वाइज भी अच्छा है, मरकरी भी अच्छा है, और पियोनियर भी अच्छा है, ठीक है। तो सर फिर हम मतलब हमारा पाकिस्तान के अंदर किसी भी बैंक में अकाउंट हो उसका इशू नहीं है, या उससे कोई रिलेशन नहीं ओके है? ओके ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मीजान बैंक इस वक्त रिकमेंडेड है कि आप मीजान बैंक में अकाउंट बनाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा जगहों पे काम आएगा। जब आप अमेजोन के अकाउंट ओपन करोगे ना, तो अमेजोन आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा कि यार मुझे अपना जी बैंक स्टेटमेंट दो, तो आप जो है उनको बैंक स्टेटमेंट दो, ठीक है, मीजान का, तो वो जल्दी एक्सेप्ट करता है। मीजान बैंक का, फैसल बैंक का, ये बहुत रिकमेंडेड है, मीजान इज बेस्ट। तो अभी जैसे मिजान में मेरे पास अकाउंट नहीं है, मेरा अकाउंट यूपीएल में, तो अब मैं मिजान में अगर न्यू अकाउंट खुलाऊंगा तो मेरे पास स्टेटमेंट तो डेफिनेटली होगा नहीं। जी ब्रदर, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मीजान में जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो वो जो है क्या होगा, वो तकरीबन 5 या 6 दिनों में बन जाएगा, ठीक है। उसमें जो है आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 ट्रांजेक्शन कर दो, 1,000 रुपये कर दो, 200 रुपये कर दो, 1 लाख कर दो, कोई इशू नहीं है। अमेजोन का ट्रांजेक्शन के कोई लेना देना है, लेकिन कम से कम उसमें 5-6 ट्रांजेक्शन करो 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। उसमें सही 5-6 ट्रांजेक्शन हो तो फिर क्या करो, उसको अपलोड करो, तो कल से ही आप मीजान बैंक में अकाउंट बना दो। अच्छा, तो सही सही, तो अकाउंट जो है नॉर्मली बनाऊं, मतलब वो सेविंग्स अकाउंट जो नॉर्मल करंट हम अकाउंट, बनाते हैं, करंट अकाउंट बनाओ। करंट अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट, सही, जी, थैंक यू सर। वैसे आप ये एक्सप्लेन करेंगे ना आगे फर्दर क्लास में इसका पूरा जरूर एक्सप्लेन प्रोसीजर? करूंगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा, मैं आप लोग की कोशिश करता हूँ कि ये सवाल भी, इसमें ज्यादातर बहुत ज्यादा न्यू लोग बैठे हुए हैं, तो आप फिक्र ना करो, ये इंशाल्लाह मैं आगे चीजों डिस्कस करूंगा। बिकॉज जब मैं खुद भी न्यू था और लोग इन तरह के सवाल पूछ रहे थे, तो यार मैं कहता कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। तो कोशिश करो आप अपने जी सवाल थोड़े से वो कॉम्प्लिकेटेड ना पूछा करो, बिकॉज न्यू लोग है, मुझे न्यू लोग का बहुत ज्यादा एहसास होता है। बिकॉज मैं जब न्यू था ना, जी तो जी मुझे बिल्कुल भी ये चीजें बहुत ज्यादा टफ लगते थे। तो कोशिश जी करो सर, कि आप लोग इंशाल्लाह इन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर, आप फिक्र ना करो, एक भी चीज मैं मिस नहीं करूंगा। इंशाल्लाह, थैंक यू सर। वालेकुम सलाम, रियाज भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रियाज भाई, मैंने ये पूछा था, मेरे पास ये अकाउंट अमेजोन का अकाउंट हम बनाए या बाद में, अभी बनाए या बाद में? मेरे अमेजोन के अकाउंट कभी भी ना बनाओ अभी, अमेजोन के अकाउंट तब बनाओ जब आपको चीजें समझ आ जाए। मतलब पूरा कोर्स के, पूरे कोर्स के बाद इंशाल्लाह। कोर्स के बाद जब आप इंटर्नशिप करोगे, दो तीन मतलब 5-6 महीनों तक अमेजोन अकाउंट का सोचो भी नहीं बस। सर जी ब्रदर, जी ब्रदर,
यो क्वेश्चन दे द यही द पारा मुंह को सही द द जाना मन ब्रांड द पर अमेरिका की एलएलसी ता जरूरत शत दे आई अदल द यही की जरूरत वर ता शत दे ओके मैं आपको बताता हूँ देखो रोड़ा यूएई के चिकन दे कना लगा कु पहर मुल्क के तकार के दहाव मुल्क कंपनी तारा पारे जरूर था लगा कु प्रॉपर कार के कोतपा इंग्लैंड की कार के कोतपा यूएई की कार के कोतपा दुबई सऊदी की कार के से शु दहाव मुल्क चिकन कंपनी दागा बत जोड़े کم جان من برانډ چې کوم دی هغه موږ بغیر د ایلسین نه شو خرڅولای کا هغه په یو ای کی کا په امریکا کی کا بل ځای کی ایگزیکټلی بالکل خو خو چې کوم برانډ وی خو خو ډیسټریبیوټر وی هغه تاسو وی چې ماته کمپنی خو خپل ته ځان پروفیشنل حساب یې ویتا کو ته چرته ځان چې کوم دی یو عام کس حساب یې هول سیلر تا ډیسټریبیوټر تا وی تر به اکاونټ نه درکې وی تا کلم پروډکټ نه درکې او وی تا علی پروډکټ درکې کله چې ته یو برانډ سره وی یا چې کوم دی پروفیشنل ستا کمپنی وی وی شو کنه तो हमने और वो प्रोडक्ट जो अमेज़न पे वो गेटेड है तो उसको अनग्रेड कराने के लिए पहले हमें सप्लायर से प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा या फिर हमें सप्लायर पहले वो इनवॉइस बना देगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है लेकिन लोग ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो, चलो मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा मैं आप लोगों को जो न्यूबीज है ना, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप फिक्र ना करें, ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर समझ आ जाएगी जब हम क्लास लेंगे, ठीक है? अच्छा मैं इसका जवाब देता हूँ। देखो जब प्रोडक्ट अनगेटेड गेटेड हो ना तब तक आप पेमेंट ना करो जब तक ये अनगेट ना हो जाए, नंबर वन। अब अनगेट किस तरह होगा, आप सप्लायर को बोलो कि मुझे इनवाइस दो। ज़्यादातर जो सप्लायर होते हैं ना वो आपको इनवाइस देंगे कि ये लो आप पहले अनगेट कराओ, ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैं आपको मतलब पेमेंट चार्ज करूँगा। कुछ सप्लायर इस तरह होते हैं कि वो आपसे पेमेंट पहले लेते हैं तो फिर आप उसको बोलो कि नहीं भाई मैं तब तक पेमेंट नहीं करूँगा जब तक जो है मेरा जो प्रोडक्ट है वो अनगेट ना हो जाए, सही है ना? तो कभी भी इस तरह का रिस्क ना लो, स्टार्ट में ये रिस्क ना लो, फिर इंशाल्लाह जब आप एक्सपर्ट बनोगे ना तो फिर ले सकते हो, फिर आप इसको हैंडल कर सकते हो। ओके सर, दूसरा ये सवाल था कि अगर पेपाल अकाउंट ऑस्ट्रेलिया का उस पर भी टैक्स लगेगा? बिल्कुल टैक्स लगेगा। जी पठान भाई कुछ सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, हम फाइन फैसलाबाद से बात कर रही हैं, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है सर। आपकी वीडियो देखी थी, वहां पे यूट्यूब पे काफी अच्छी समझ आ जाती है, सीखा हुआ पहले ना जी जी तो जी। बस ये हैंड एक्सपीरियंस का था थोड़ा सा, तो इसलिए फिर सुना तो काफी माशाल्लाह अच्छा आप गाइड कर लेते हैं जी जी, तो इसलिए फिर तो सर, जी सर मैंने पूछना था ये कि जैसे हम अब हमने ये डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से रब्ता करना होता है, जैसे हमने अब आपने आपकी वो बताई हुई है डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने का तरीका, वो कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट हमें क्या स्टेप, अब उनसे हम रब्ता करेंगे जैसे ईमेल से, तो हमें हम एलएलसी बनाकर ही रابطہ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से या कोई प्रोफेशनल ईमेल, वो तो हमारे पास अभी नहीं है ना? अच्छा ठीक है, इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम फेक चीजें यूज करते हैं, ठीक है, फेक एड्रेसेस यूज करते हैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहती हो ना? अच्छा ये तो मैं जब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिस का तरीका भी सिखाऊंगा कि अगर आपके पास एलएलसी ना हो, पहले प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमें वो जैसे हम जी जी हाँ जी अब पूछे, मतलब अब हमें पता चलेगा ना वो हमें ब्रांड अप्रूवल दे रही है या डिस्ट्रीब्यूटर से हमने रब्ता करना है, वो हमें ईमेल मतलब अच्छा। वो हमें अपनी शीट दे रहे हैं, हमने उसके अंदर से फाइंड कर लिया प्रोडक्ट करा, ये सारा कुछ मैं आपको बता दूं। इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, वो तो मैं देखो आने वाले सेशन में बताता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं आपको एक शॉर्ट व्यू देता हूँ। दो तरीकों से हम ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं या सर, दरअसल वो पहला कुछ सारा जी, एक तरीका ये है कि हमारे पास एलएलसी होगा या हमारे पास क्लाइंट होगा या हमारे पास एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसका डिटेल यूज करते हैं हम सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं, नंबर वन। नंबर टू ये है कि हम अपना जीमेल यूज करते हैं, उसमें जो है फेक यूएसए का एड्रेस डालते हैं, फेक जो है ईआईएन नंबर डालते हैं, उसको जो है ना वो ईमेल करते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन इससे हमें एक चीज समझ आ जाती है कि हाउ टू कांटेक्ट with suppliers, what is the response of suppliers,
कम से कम इतना हमें पता चल जाता है, फिर इन फ्यूचर जब हमें क्लाइंट मिल जाता है तो हम उसको प्रॉपर बोल सकते हैं कि हाँ मैंने मेल की है, मैं मेल कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं आप लोग को असाइनमेंट भी दूंगा इंशाल्लाह, फिकर ना करो, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप मैं करूंगा। ठीक है जी। तो सर मतलब हमें शुरू में अब LLC फिर नहीं अभी बनानी चाहिए ना अभी? हाँ हाँ, मतलब जिसके पास अब हमने सीखा हुआ है, अब हमारा जहन है कि हम आगे प्रोसीड करें, अब हमें कुछ, मेरे 2-3 माह पहले भी लगाए हुए, अब हमें कुछ पता चले ताकि हम आगे कुछ कर सकें। एग्जैक्टली मैं आपको उसका बताता हूँ। देखो अगर आपके पास अपना LLC वगैरह सब चीजें हो तो फिर कर सकते हो, अगर नहीं हो, अफोर्ड नहीं कर सकते, जस्ट प्रैक्टिस करना चाहती हो, तो फिर आप लोग इफेक्ट तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, आप सिर्फ अपनी इंटर्नशिप को, अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए करते हो, सही है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी एजेंसी में जाओ, काम करो वहां पर। अभी आपको कि एजेंसी तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये जो मैं आपको तरीके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, उससे आप कुछ बहुत चीजें समझ आ जाएगी, फिक्र ना करो। ठीक है जैसे सर आपने अपने लीड जनरेटर से भी किए हुए हैं, मैंने भी वो फाइंड की हुई है वेबसाइट वगैरह, तो अब हम नेक्स्ट मतलब आप हमें ऐसे देना, हम अभी 5 दिन हमारे पास होंगे, हम क्या वर्क करें? जैसे आपने ये अभी तो इंट्रोडक्शन दिया, ये हमें पहले भी इनका इंट्रोडक्शन है हमें इलम में, तो हमें आप 5 दिन में देना कुछ इस तरह का कुछ, चले जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता वो कुछ ऐसा करें। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखो अमेज़न इंट्रोडक्शन में क्या सिर्फ अमेज़न इंट्रोडक्शन होता है, और भी बहुत चीजें होती है। आप जो है गूगल पे सर्च करो कि अमेज़ॉन इस वक्त कितना काम कर रहा है दुनिया में, कौन कौन से स्टेट में काम कर रहा है, किस किस तरह कर रहा है। अमेज़ॉन की न्यूज देखो, ठीक है ना, वो भी इंट्रोडक्शन में आता है। अमेज़ॉन के जो है देखो टॉप सेलर्स देखो कि इस वक्त अमेज़ॉन में टॉप 5 सेलर कौन से है। इसमें आपको पता है एक पाकिस्तानी भी है, यूट्यूब या डील्स वाले, वो जो है बिलियनियर हो चुका है अमेज़ॉन की वजह से। तो इस तरह के इंट्रोडक्शन में इस तरह की बात कर रहा हूँ कि आप जब तक आपके पास अमेज़ॉन का प्रॉपर नॉलेज होता है ना, तो एक तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाती है, नंबर वन, आप उस चीज को छोड़ते फिर नहीं, आपके तो क्या, अगर पाकिस्तानी बंदा इस चीज से बिलियनर बन सकता है, मिलियनर बन सकता है, तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं बन सकता। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलोगी, तो एक महीना है इंशाल्लाह, इस एक महीने में आपको बहुत चीजें सिखाऊंगा। सर आपने पाकिस्तानी किस बंदे का जिक्र किया है, kindly repeat कीजिएगा। अच्छा यूट्यूपिया डील उसका नाम है, यूट्यूपिया डील उसकी कंपनी का नाम है। ठीक है आप सर्च करो यूट्यूपिया डील्स अमेज़न पे, मैं आपको सब करता हूँ सर्च, मैं आपको बताता हूँ इसका, जी लिख के बता दें प्लीज। हाँ हाँ बताता हूँ, अगर हम यहाँ पर देखो लिखे के यूट्यूपिया डील्स अमेज़न पे, यूट्यूपिया डील्स, तो इसके प्रोडक्ट्स यहाँ पर अमेज़ॉन पे आ जाएंगे। देखो ये सारे प्रोडक्ट्स इसके हैं, पाकिस्तानी बंदे के, ये सारा पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है ना, इसके तकरीबन मेरे ख्याल में अभी मुझे स्टेटिस्टिक सही याद नहीं है, लेकिन हर महीने 200 कंटेनर जाता है USA कराची में, इसके बड़े बड़े मील्स है। और इस बंदे का तस्वीर भी मैं आपको सेंड करता शो करता हूं, एक सेकंड। ये इसका पिक्चर है, देखो देख रहे हैं आप जी सर, ये अमेज़न का टॉप 5 सेलर है, ये बिलियनर है, बिलियनर। ठीक है ना, तो ये इस वक्त अमेज़न पे ही सारे प्रोडक्ट सेल कर रहा है, देखो ये सारे आम चीजें हैं। ठीक है, कराची में ये सारी चीजें मेरे पिक्चर हो रहे हैं, तकरीबन हर महीने 200 कंटेनर जा रहे हैं USA। ठीक है ना, तो इससे आप लोग के अंदर मोटिवेशन आएगी कि यार एक बंदा इतना बहुत बड़ा काम कर सकता है, क्या मैं इसके 5% भी नहीं कर सकता, क्या मैं 10% भी नहीं कर सकता। तो इंट्रोडक्शन मतलब ये है कि चीजों को प्रॉपर देखो, मेरे साथ चलो, अगर आप मेरे से 2 कदम आगे जाओगे तो फिर आप चीजें नहीं सीख सकोगे। पाकिस्तान से शिप कर रहे हैं, ये पाकिस्तान से शिप, ये सारे पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स है, देखो इसमें से कुछ चाइना के है, बाकी सब पाकिस्तान के। इसके बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है, मैं देखता हूँ एक सेकंड, इसके पास 226 प्रोडक्ट्स है। FBM कर रहे होंगे, कुछ FBM कर रहा है, कुछ FBA कर रहा है, अभी ये इनकी मर्जी है, लेकिन इतना आपको पता है कि देखो कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछे। मेरा मतलब मैं
मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि मेरे एलएलसी में फर्क आया, मतलब मैंने आपसे प्राइवेट में पूछा था, मैं सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी कर चुका एलएलसी के एड्रेस में, थोड़ा सा इशू मैंने आपको बताया भी था। जी 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 ब्रदर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ब्रांड वगैरह के साथ कॉल पे बेस्ट है या ईमेल पे बेस्ट है? ओके। ये होलसेल वगैरह के साथ, होलसेलर के साथ रابطہ करना मतलब? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अगर कॉल पे है तो कौन से ऐप का, मतलब स्काइप का नंबर ले ले, वाई का ले ले, कौन सा ले ले फिर? ओके ब्रदर, ओके। अच्छा, ये आप देख सकते हो ये एक होलसेलर है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक करो, इसके साथ तो पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करो। रजिस्टर का मतलब ये है आपका नाम, आपका ईमेल, सब कुछ आप पहले दे दो, उसके बाद देखो यहाँ पर इसका जो है ईमेल भी होगा, अगर नहीं है तो फिर फेसबुक से देख लो, अगर इस पर क्लिक करोगे इसमें हो जाएगा। फिर रजिस्टर करने के बाद ये है कॉल, इसको कॉल करो। अब कॉल कहाँ से करना है? कॉल जो है टेक्स्ट नाउ एक ऐप है, बिल्कुल फ्री आप कास्ट कर सकते हो। हाँ, टेक्स्ट नाउ, TextNOW, टेक्स्ट नाउ, आप इसको अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, यूएस के अंदर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो लेट सपोज आपने टेक्स्ट नाउ डाउनलोड किया, आप इस नंबर पे कॉल करो, उसको बताओ कि मैं एक टेक्सास में रहता हूँ, ठीक है, और मेरा जो है ये एलएलसी है और मैं आपके पास, आपके साथ एक होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, तो ये आपको होलसेल अकाउंट दे देगा, ठीक है ना? ठीक है सर। और बाकी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मतलब मैं एक बंदे को फॉलो कर रहा था, उसकी वजह से तो मैं तकरीबन तकरीबन रिसेट हो गया, मतलब जितने इन्वेस्टमेंट था सारा सब कुछ मेरा चला गया, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, सारे डॉक्यूमेंट्स गलत निकल आए, अब मजीद मैं रिसेट, मतलब दोबारा से हो गया मैं। कुछ लोग कह रहे कि स्काइप का बेस्ट है, कुछ कह रहे कि वाइक का बेस्ट है, तो स्काइप से कॉल हो सकती है डायरेक्ट? ब्रदर देखो ये, क्योंकि मैंने स्काइप का परचेस किया हुआ था रिसेल सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, आप गाड़ी से भी जा सकते हो, आप जहाज से भी जा सकते हो, आप पैदल भी जा सकते हो, आप बाइक से भी जा सकते हो, मकसद है इस्लामाबाद पहुंचना, आपका मकसद है कॉल करना, ठीक है, आप वाई की जी, मैं समझ गया, लेकिन हाँ इसमें कुछ ऐप है उन लोगों में, मतलब मैंने वाई की डाउनलोड किया, उसका भी सब्सक्रिप्शन मैंने ले लिया, फिर बाद में नोटिफिकेशन आया कि भाई कॉल नहीं कर सकते, कॉल बैन है, तो इस वजह से मैं ये पूछना चाह रहा कि मतलब रिसेंटली कौन सा यूज हो रहा है स्काइप ही, मतलब स्काइप का भी मैंने ले लिया सब्सक्रिप्शन, तकरीबन 30-40 हज़ार का पड़ गया मुझे। अच्छा, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मैं खुद टेक्स्ट नाउ यूज कर रहा हूँ, मैं खुद जो है वाई की यूज कर रहा हूँ, वाई की देखो वाई की ये भी मैंने डाउनलोड किया है, ये तकरीबन $15 आई थिंक एक साल का ले रहा है आपसे, ऐसा ही है, हाँ ये भी यूज कर सकते हो, अगर दोनों यूज करो, ये भी आप यूज करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ये दूसरा वाला टेक्स्ट नाउ और ये जो है $15 पूरे साल का है, तो दोनों बेस्ट है, मैं दोनों पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, और एलएलसी में मतलब यूएसए का नंबर जरूरी है देना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये नंबर जैसे कॉपी करो और उसमें दे दो, एलएलसी में दे दो। चलो ठीक है, मतलब पहले नंबर बाय करो या फिर सर्विस प्रोवाइडर दे देगा नंबर वगैरह सब कुछ? कोशिश करो ना, एक चीज मैं बार बार एक यूट्यूब में भी बताता हूँ आप लोगों को, मैं इस तरह भी लोगों को, जो काम प्रोफेशनल बंदे का होता है ना, प्रोफेशनल बंदे से किया करो, खुद ना करो, वरना आपकी तरह फिर फंस जाओगे। बस इस वजह से वही मसला ना मेरा, मेरे साथ भी यही मसला हुआ ना। आप ज्यादातर एलएलसी खुद बनाते हैं, फिर कभी रिसेल सर्टिफिकेट में फंस जाते हैं, कभी एएन में फंस जाते हैं, ठीक है, $150 अपने लिए बचत करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है वो बेचारे फंस जाते हैं। तो इसके लिए हमारी प्रोफेशनल टीम है, आप किसी और बंदे को भी हायर कर सकते हो जो प्रोफेशनल, उसको हायर करो, बोलो कि यार ये काम करो, बस खुद ना करो। ठीक है सर जी, थैंक यू फॉर दैट। सर तो ये एलएलसी में कितने के मतलब लग जाते हैं पैसे इसके, मतलब इसके अपनी स्टेट्स पे डिपेंड करता है, वायुमिंग में जो है $400 लगता है, ठीक है, टेक्सास में $700 लगते हैं, इस तरह, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब बेस्ट कौन सी रहती, जो हम मतलब हमारे लिए बेस्ट कौन सी रहेगी फिर, जो हम मतलब चले जब हम बनवाएंगे तो टेक्सास बना लो, टेक्सास में बनवा लो, $700 लगेगा सर। फ्लोरिडा ठीक है? तो जी जी फ्लोरिडा भी जबरदस्त है, फ्लोरिडा भी कर सकते, फ्लोरिडा पे मेरे ख्याल में $550 आते हैं जी। सर मेरा एक और सवाल था। जी जी मेरा जो है ना एलएलसी में मैंने डिलीवर में मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बनाया हुआ है,
तो एड्रेस तो मैंने वहां का परचेज कर लिया था, anymailbox.com वेबसाइट है ना, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है, तो मैंने एड्रेस तो वहां से परचेज करके LLC में USA का डाल दिया था, मतलब डिलीवर की, लेकिन जो फोन नंबर है ना वो तो मेरा पाकिस्तान का ही डाला हुआ है। अच्छा, तो फिर कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, फोन नंबर पाकिस्तान का ही डाला रहे, कोई इशू नहीं है, बस अच्छा होता कि यूएस का डाल देते, लेकिन कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है। अच्छा, और बाकी ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। जी जी, हेलो जी जी, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर हम को पश्तो मान लेके खबर है सर को। जी जी, वाए दे दो सर। दा मतलब दा चले कम मुझे दा कम ता सर न दा को समझ दा नेट जट बीर जट डिस्कनेक्ट की गई ना। ओके, वीडियो, इस वीडियो को कम से कम 2-3 मरतबा देखो, तभी चीजें समझ आ जाएगी जो न्यू भी है, ठीक है, न्यू लोग है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत मेहरबानी। तो सर आप हमें ईमेल देंगे अपनी, यानी कौन सी ईमेल, मतलब अपनी तरफ से या हमें अपनी प्रैक्सेट के लिए? नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है, वो आप अपनी जीमेल से भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बताऊंगा जो आपको आम ईमेल से भी रिप्लाई करेंगे, मतलब हम अपनी पाकिस्तानी ईमेल से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी पाकिस्तानी ईमेल को थोड़ा प्रोफेशनल बना भी सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू कन्वर्ट जीमेल इनटू प्रोफेशनल जीमेल, तो वो बन जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका पैसा बचाऊ। जी सर। जी, और मतलब हम अपनी पाकिस्तानी ईमेल से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से ईमेल पे उनसे मतलब उनकी शीटें वगैरह ले सकते हैं। हाँ, बेस्ट देखो रिकमेंडेड नहीं है वो, इसके लिए प्रोफेशनल ईमेल चाहिए, लेकिन फिर भी हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए हम कोई जुगाड़ बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसका आप तरीका तो बताएंगे ना फिर? वो आप यूट्यूब से, बहुत ईजी होता है ना, बहुत ईजी होता है, आप उसको यूट्यूब में सिर्फ सर्च करो कि हाउ टू कन्वर्ट जीमेल इनटू प्रोफेशनल जीमेल, बस। अच्छा अच्छा, सही, ठीक। लिहाज सर ये ओपन क्वेश्चन दे वो खरूर में। जी ब्रदर बिल्कुल, दे मेहरबानी हो कदी दी पायोनियर प्रैक्टिकल तरीका मंग तो शो का छे मसलन द खपल बैंक अकाउंट ना पायोनियर त पेसी संग सेंड की गयो बिया पायोनियर द सप्लायर त संग सेंड काई। ओके, दे यो प्रैक्टिकल मंग तो शो का। बिल्कुल लता मैम, हां डेरा बहुत आसान तरीका है, भाई ने सवाल पूछा है कि हम अपने बैंक से पियोनियर पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं और पियोनियर से फिर ट्रांसफर वाइज या सॉरी सप्लायर को किस तरह ट्रांसफर करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूं। देखो आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट से पियोनियर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना करें, ठीक है। इसकी कुछ तरीके होते हैं, तरीके क्या है, लेट सपोज आपको चाहिए $1,000, ठीक है, तो आपको पियोनियर में $1,000 चाहिए, तो आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढ ले जिसके पास पियोनियर में डॉलर हो और वो सेल करना चाहते हो, तो उसको आप पाकिस्तानी पेमेंट में पैसे कर दो, वो अपने पियोनियर से आपके पियोनियर में पैसे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। फिर आप बहुत इजी होता है, जिस तरह आम बैंक से पैसे ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम पियोनियर से सप्लायर को पैसे ट्रांसफर करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ओके ओके, मैं भी इसको पुश्तो में कन्वर्ट करता हूँ। अच्छा देखो, हाँ पहले चीज था पैसे पकड़ हुई पा पियोनियर अकाउंट के सही शो मतलब पियोनियर अकाउंट तो चिकम दे द बैंक ने पैसे कल हम मरेगा सही था करना द बैंक ने मतलब कल हम पियोनियर तो पैसे नहीं देगी जैसे कि व्यापक के ट्रांजैक्शन चार्जेस राजी आप पैसे बदल कट की गई बैंक वाले बताने पैसे कट के उस लेट सपोज स्टार चिकम दे $1,000 पकार दी पियोनियर की सही था ओके पाकिस्तानी पेमेंट के पैसे ट्रांसफर क्या बताने या प्लस टू प्लस थ्री चार्ज के लिए पैसे बदल नजाते वाली इस खबर ना था यूनियम रुपये बदल नजाते वाली अगर बद अखबल बैंक अकाउंट ना दखबल पियोनियर ना पियोनियर तक पैसे ट्रांसफर सही था क्या ना
سیدا نو د دې غرکاس پیدا کول لغه بیا مشکل ما ته میسج وکړه زبتا له بدرې کسان درکما په تکړه لکان یو خسي کسان دي ها صحیح زه خپل دلته دوبی کې مانو پاکستان دوبی څه مسله خو نشته ایس خبره ده ایس وخت باغه ته پاکستان بس هغه تر بینک اکاونټ ته پیسې ترانسفر کول دي کار رنګي طریقې سره هغه بیا خپل پیونیر رستا پیونیر ته پیسې ترانسفر ٹھیک سر میرا ایک لاسٹ کوسچن ہے جی برادر یہ ٹیکس پرمٹ اور ریسیل سرٹیفکیٹ میں کوئی ڈیفرنس ہے اچھا برادر میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو اس میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے خاص طور پر ٹھیک ہے سیلر پرمٹ کیا ہوتا ہے اس میں ایک نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ نمبر جب ہم ایک سرٹیفکیٹ میں ڈالتے ہیں تو اس کو ہم ریسیل سرٹیفکیٹ بولتے ہیں دیکھو جب آپ ہاں دیکھو جب آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ کو آئی آر ایس والے جو ہے آپ کو ایک نمبر دیتا ہے اس کو ہم سیلر پرمٹ کہتے ہیں پھر اس نمبر کو ہم لیتے ہیں اور ریسیل سرٹیفکیٹ میں ڈالتے ہیں تو اس کو ہم تب ریسیل سرٹیفکیٹ بول سکتے ہیں جب ہم اس میں وہ نمبر ڈالیں بس مطلب دونوں ایک ہی چیز ہے نا دونوں ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ صاحب بس اسی میں کنفیوز تھا تھوڑا سا اس وجہ سے میں نے پوچھا سر جی جی جو یو ایس اے میں جو ایڈریس ہمیں لینا ہوتا ہے وہ ہمارا ایل ایل سی والی اسٹیٹ میں ہوتا ہے نا بالکل ایل ایل سی والی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں جس اسٹیٹ میں آپ بناتے ہو ایل ایل سی اسی اسٹیٹ کا آپ کا ایڈریس ہوگا اوکے اچھا آخری سوال پوچھ لے کائنڈلی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تو اس وجہ سے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے کائنڈلی آپ لاسٹ کوسچن پوچھ ان شاء اللہ جو بھی سوال ہو آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہو جو آپ لوگوں کا جو پیڈ واٹس اپ گروپ ہے نا آپ اس پہ سوال پوچھو میں کوشش کروں گا کہ میں پوری دل سے آپ لوگوں کو رپلائی کروں گا ان شاء اللہ ٹھیک ہے تو آخری سوال پوچھ لیتا ہوں اس کے بعد سیشن کو کلوز کرتے ہیں سر نیکسٹ سیشن کب ہوگا نیکسٹ سیشن ان شاء اللہ یا تو فرائیڈے کو ہوگا یا سنڈے کو ہوگا سر اگر ہم ایک ایل ایل سی بناتے ہیں تو وہ ہم یعنی یو ایس اے کے مطلب سر ہم جیسے ایل ایل سی بناتے ہیں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یو ایس اے کی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی بہن آپ گروپ میں پھر پوچھ لیں وعلیکم السلام ہیلو جی سر جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی سر جی جاؤں فرسٹ ٹائم فرسٹ کلاس تھے سر جی 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 فوکس پکار دے گا نا پربا جو فلک سو 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 لگا سو کوئی جی تو کوئی انگلش نہ کیجی روڑ جانا آواز دی بھی ہی کلیئر نہ راجی کائنڈی تمہا تحیر دے اور گروپ کے میسیج کا زبا ہوا رہا چلو ٹھیک ہے اس سیشن کو ابھی ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی سوال ہو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ون بائی ون آپ لوگ کو جواب دیں گے ٹھیک ہے سو ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ